मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसको लेकर नेता अभी से तैयारियों में लग चुके हैं। यही कारण है कि नेता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी से चक्कर लगा रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। भाई जी, क्या नाम है आपका? दिलीप मुदगल। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और आपके द्वारा 2-3 अभी भंडारे भी करवाए गए थे, क्या उद्देश्य है? मैं चूँकि पौरी विधानसभा बैराड़ का निवासी हूँ और मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और जनता से सतत संपर्क में बनाए रखा हुआ हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि सुरेश राठ के राजी भी हैं वहाँ से, और आप भी पार्टी में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हो, अगर पार्टी आपको बीजेपी से टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ोगे? यदि पार्टी मेरी मेरे को उम्मीदवार बनाती है और मौका देती है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। किसको आप अपना वरिष्ठ नेता मानते हैं? मेरी नेता श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी, मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री हैं। जनता की कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं या जनता को मिलना चाहिए? जनता की जो मूलभूत आधार है, एक तो उनके लिए जैसे स्वास्थ्य के लिए रोड है, बिजली है, पानी है, ये हमारी पौरी विधानसभा में बहुत आवश्यकता है इसकी। गरीबों की चर्चित में भी हो आप, जैसे गरीबों को खाना खिलाया था आपने, इस बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि गरीबों से एक तो मिलने हो जाता है और एक उनके बारे में जो उनकी जो परेशानी है, समस्या, उनसे अवगत हो जाते हैं कि हमें क्षेत्र में यदि मौका मिलता है, पार्टी यदि मौका देती है तो हम उनकी सेवा करेंगे। अभी क्या क्या भंडारे भी हुए थे आपके, कहाँ पर हुए, किस प्रकार से क्या भंडारे हुए? अभी मैंने राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की जन्म जयंती 12 अक्टूबर से पहला भंडारा हमने बैराड़ में किया था, उसी के क्रम में दूसरा भंडारा हमने 2 नवंबर को पौरी में किया था, जिसमें मेरी नेता श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। उसके बाद हमने 11 दिसंबर को पौरी विधानसभा के ही क्षेत्र चर्च में विशाल भंडारा किया था। तीसरा, उसके चौथा भंडारा हमने अभी 8 जनवरी को बैराड़ के पश्चिम में महादेव घाटी मंदिर पर विशाल भंडारा किया, जिसमें पूरा बैराड़ नगर और 90 गांव की जनता अधिक आई थी। उसमें कम से कम 80 से 85 हज़ार लोगों ने भंडारे में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।